हेलो, मेरा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रफ स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल एक कवरिंग, एक आउटर कवरिंग भी बनाता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, और सेल वॉल शेप भी देता है हमारे सेल्स को और प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से और बहुत सारे इन्फेक्शन से, वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। और सेल वॉल दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स में मेरिस्टेमेटिक सेल आ जाते हैं, और प्राइमरी सेल हेल्प करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे सेल के लिए। जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो एडिशनल कवरिंग देते हैं हमारे सेल को। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल के बीच में एक लेयर होती है, एक ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है, मिडल लैमेला। जो मिडल लैमेला होता है वो कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है, और जो ये मिडल लैमेला होता है ये बहुत सारी नेबरिंग सेल्स को एक साथ कनेक्ट करके रखता है। और मिडल जो सेल वॉल एंड मिडल लैमेला है, सेल वॉल एंड मिडल लैमेला है, मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक इम्पॉर्टेंट रूट होती है बिटवीन द कम्युनिकेशन ऑफ सेल, और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट